Good morning students, this is Pooja, Uppal and welcome to my channel. Today I am going to discuss the topic of trigonometric ratios of specific angles. Earlier we have done the trigonometric ratios without angles. So today I am going to discuss with the some specific angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. How we find out these angles? कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये एंगल्स साइन के लिए और कॉस के लिए. अगर हमें साइन और कॉस के लिए पता लग जाएंगे देन वी कैन इजीली फाइंड आउट फॉर टेंजेंट कोटेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अप द चार्ट. एक चार्ट ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर हमारे पास एंगल होगा. हम एंगल ले लेते हैं सपोज ए, एक एंगल ए ले लिया तो 0 डिग्री. अब ये चार्ट बनाना कैसे है? वी विल फॉर साइन डिग्री, साइन ऑफ एंगल हम स्टार्ट करेंगे विद 0, 0, 1, 2, 3, 4. और कॉस के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 4, 3, 2, 1 एंड 0. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बाय 4. सारे नंबर्स को डिवाइडेड बाय 4 एंड कॉस के भी ऐसे बाय 4 कर देना है, इनको डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, पहले हमने 0, 1, 2, 4 लिखना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है सबको 4 के साथ. नेक्स्ट स्टेप है हमारा अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लेना है इसका. सबका स्क्वायर रूट ले लोगे आप, नाउ अब 0, जो 0 है वो तो हमेशा 0 ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा. 1/4 और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है, 2. ये 1/2 आ गया. अब 2 2s are 4, इसकी जब हम कैंसिलेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/√2. सिमिलरली √3, अब ऊपर तो √3 रहेगा क्योंकि इसके नहीं हो सकता स्क्वायर रूट सॉल्व, 4 का हो जाएगा 2 और 4/4 दैट इज़ 1, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 1. सिमिलरली अब यही रिजल्ट्स यहाँ पे लग जाएंगे, 4 को 4 से कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 1, ये बन जाएगा √3/2 और ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये बन जाएगा 1/√2 और ये 1/2 और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 0. सो द वैल्यूज़ कम्स आउट टू बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, 45 डिग्री इज़ 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1. सिमिलरली कॉस, अब कॉस के एंगल रिवर्स ऑर्डर में, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 दैट इज़ 1/√2. इन दोनों की वैल्यूज़ दोनों के सेम होती हैं. 60 डिग्री कॉस हमारा 1/2 और कॉस 90 हमारा 0 होता है. अब साइन पता है, कॉस पता है, हम टेन को टेंजेंट निकाल सकते हैं. टेंजेंट हमारा क्या होगा, टेन ए विल बी साइन ए अपॉन कॉज ए. ठीक है, और अगर टेन पता चल गया तो कोटेंजेंट आ जाएगा. कोटेंजेंट क्या होता है, 1/tan a. क्लियर? और सिमिलरली अगर हमें सीकेंट पता चल जाए, सीकेंट क्या होता है, 1/cos a और कोसीकेंट क्या होता है हमारा, 1/sin a, इसका रिवर्स. ठीक है, तो मेन ये हमारा बेसिक टेबल है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you like my video, please like it and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.